कुछ लोग कहते हैं अगर भगवान है तो प्रूफ दिखाओ, अगर प्रूफ दे दोगे तो हम भगवान को मान लेंगे, या फिर अगर भगवान वाकई में है तो प्रूफ क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपको दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ मौजूद नहीं है, पहली बात। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं संसार में भी जो हमें आँखों से दिखता नहीं है लेकिन वास्तव में वो मौजूद होती है। और दूसरी बात, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हम अगर कोई मैथ्स करते हैं, कोई गणित का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो कुछ गणित ऐसी होती है, कुछ मैथ्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि हम पहले सपोज़ पकड़ लेते हैं, जैसे सपोज़ एक्स का मान ये है, सपोज़ एक्स इक्वल टू वाई, तो इस तरह से हम सपोज़ पकड़ लेते हैं, फिर उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उसके बाद जो है आंसर निकलता है, ठीक है। तो और तीसरी बात, जैसे कि अगर हम पैदा होते हैं तो हम अगर खुद से ये पता लगाना चाहें कि हमारा फादर कौन है तो ये संभव ही नहीं होगा हमारे लिए। हम किस किस को पूछेंगे, हम वास्तव में हम किस किस का डीएनए टेस्ट करवाएंगे, तो ये संभव ही नहीं है कि खुद से हमारे पिता का पता लगाया जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने माता से जान लेते हैं कि आखिर में पिता कौन है, और जब माता कहती है यही तुम्हारे पिता है तो हम बिना प्रूफ के मान लेते हैं। नहीं भी हो सकते हैं ना वो पिता, पर फिर भी हम प्रूफ तो नहीं मांगते ना माता से कि ये हमारे पिता है कि नहीं, कोई भी नहीं मांगता। तो सेम वे जो भगवान क्या, भगवान को अगर जानना है इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कंप्लीट लिबरेशन, संपूर्ण रूप से भौतिक कलमशों से मुक्ति। आपके हृदय से जितने भी कलमश हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से लेकर जितने भी अहंकार, जितने भी आपके भौतिक कलमश जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं, उस सब से जब आपको मुक्ति मिलेगी, सब आपका कंप्लीट रूप से ख़त्म हो जाएगा और आपका हृदय एकदम साफ हो जाएगा, तब आप क्या है भगवत प्राप्ति होगी, तब आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो इसीलिए अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो भगवान के द्वारा स्वयं ही दिया गया है, और भगवान ने अवतार के रूप में हमें लिखित आकार में हमें भगवान ने दिया है, तो उन स्क्रिप्चर्स को हमें माता स्वरूप ज्ञान करना है। जिस तरह हम अगर माता हमें कहती है कि यही हमारे पिता है तो हम क्वेश्चन नहीं करते, तो स्क्रिप्चर्स भी हमारी माता है। तो इसीलिए हमें स्क्रिप्चर्स से पता चलता है कि वास्तव में भगवान कौन है, और स्क्रिप्चर्स में कुछ प्रोसेस दिया गया है, उस प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं तो धीरे 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 हमारे जितने भी भौतिक कलमश हैं वो नाश होता है, और बाद में अंतिम में जब हम समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं, कलमश से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें भगवान का दर्शन होता है। अगर आप आईने के सामने खड़े हैं और उस आईने में बहुत सारा धूल लगा हुआ है, बहुत सारा मड लगा हुआ है, तो आपका चेहरा उस पर नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आईना ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं कि आईने में आप नहीं दिखते हो, बस आपको क्या करना है, उस धूल को हटाना है। सेम वे भगवान तो सर्वत्र विराजमान है, इवन आपके हृदय में भी स्थित है। अगर आपको भगवान को देखना है तो आपने जो इकट्ठा किए हुए हैं बहुत जन्मों से जो भौतिक कलमश है, उन कलमश को, उस धूल रूपी कलमश को नाश करना है, ख़त्म करना है, हटाना है, और उसके लिए जो प्रोसेस है वो हमारे स्क्रिप्चर्स में है। और जब उस स्क्रिप्चर्स को फॉलो करने के बाद आपके जब भौतिक कलमश संपूर्ण रूप से नाश हो जाएंगे, तब आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो ऐसा बहुत संतों को मिला है, बहुत संतों से हमें पता चलता है उन्होंने भगवान को देखा भी है। तो इसीलिए हमें हमारे स्क्रिप्चर्स को सही ढंग से समझने की, परखने की, जानने की, और जो गुरु है, जो सेल्फ रियलाइज, जो भगवत प्राप्ति वाले गुरु हैं, उनसे हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तो उन्होंने जो हमें दिया है उसको फॉलो करना चाहिए। इसीलिए पहले प्रोसेस को फॉलो करो, जब उस लेवल तक पहुँच जाओगे कि आप भगवान को देख सकते हो तो ऑफकोर्स आपको दिखेगा। तो इसीलिए पहले हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, तो हमें उसके काबिल बनना है,
बिना, जैसे कि हम अगर सीधा घर में बैठे बैठे मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं बन सकते, उसके लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो सेम वे अगर भगवान को आपको देखना है तो पहले आपको कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए, तभी आपको भगवान दिखेंगे, वरना पहले कभी नहीं दिख सकते। तो इसीलिए बात को समझना चाहिए हमें, पहले ही हमें प्रूफ नहीं है तो नहीं है, बस इस तरह से हमें कंक्लूजन नहीं बनाना है। तो अगर बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।